हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा दिनों का गैप हो चुका है, तो उसको रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टैली सेशन चल रहा था हम लोगों का। टैली में हम लोग सबसे पहला लेक्चर क्या देखे थे, टैली का ओरिजिन, कि टैली कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आया और कैसे डेवलप किया गया, कितने वर्जन आए उसके, वो सारी चीज हम लोग लेक्चर जीरो में देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर था टाइप्स ऑफ अकाउंट। टैली में मेनली तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वो भी आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में क्या पढ़े थे, लेजर और अंडर के बारे में पढ़े थे, कि कैसे लेजर को क्रिएट किया जाता है, कैसे अंडर को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइमरी अकाउंट के बारे में पढ़े थे, कि कितने सारे प्राइमरी अकाउंट होते हैं। फिफ्थ लेक्चर में क्या पढ़े थे, प्राइमरी अकाउंट के पार्ट टू को हम लोग कवर किए थे। ठीक है, एंड सिक्स्थ लेक्चर में सेकेंडरी अकाउंट को पढ़ा गया था, और सेवेंथ लेक्चर में क्या किए थे हम लोग, प्रैक्टिकल किए थे, कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, ये सारे चीज हम लोग लेक्चर नंबर सेवन में देखे थे। ये रहा था रिकैप, मतलब अभी से पहले जितना टैली के सेशन चले उसमें से हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वॉचर, लेक्चर नंबर 8। ठीक है, वॉचर क्या होता है, जनरली जब हम लोग किसी भी चीज का एंट्री करते हैं टैली में, तो हम लोग मेनली पांच चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या है वो पांच चीज, सबसे पहले हम लोग डेबिट का देखते हैं, कि क्या कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा। आई होप आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है, लेजर। ठीक है, लेजर आता है, लेजर के बाद क्या आता है, लेजर के बाद अंडर आता है। ठीक है, अंडर के बाद वॉचर आता है। ठीक है, ये पांच तत्व है टैली के एंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कैसे सर, अगर मान लीजिए कि राम परचेज अ बुक जिसका प्राइस है 500 रुपीज ऑन कैश। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के इस पांच तत्व से कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, राम क्या हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश क्या हो गया, एक रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो राम ने परचेज किया बुक 500 रुपया दे के, राम ने क्या दिया है, पैसा दिया है। पैसा किसमें जाता है, क्रेडिट में जाता है। क्यों जाता है, वो आपको लेक्चर में जब डेबिट क्रेडिट के लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैश जाएगा क्रेडिट में, और डेबिट में क्या जाएगा, बुक, क्योंकि बुक को ही ना खरीदा है। बुक कितने का है, 500 रुपीज के हैं, तो 500 रुपीज कैश देके राम ने बुक को खरीदा। ये था डेबिट कैसे निकाले इस क्वेश्चन से और क्रेडिट कैसे निकाले। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लेजर। ठीक है सर, आपने मुझे बताया था कि कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है टैली में। ठीक है, तो हम लोग किसका लेजर बनाएंगे, यहाँ पे दो अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट में कौन सा है, कैश का अकाउंट बनेगा, एक बुक का अकाउंट बनेगा। कैश का अकाउंट टैली में ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो हम लोग किसका अकाउंट बनाएंगे, बुक का अकाउंट बनाएंगे। तो लेजर क्या करता है, अकाउंट बनाने का काम करता है, तो किसका अकाउंट बनेगा, बुक का अकाउंट बनेगा। ठीक है, और वो बुक किसके अंडर में जाएंगे, ये जो बुक उसने खरीदा वो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा, वो उसका स्थायी संपत्ति होगा। ठीक है, किसके अंडर जाएगा, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, किसके अंडर जाएगा, फिक्स्ड एसेट। अब वॉचर, आज का लेक्चर होगा वॉचर के ऊपर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किस वॉचर में जाएगा। राम ने क्या किया है, परचेज किया है, परचेज करने के उसको पैसा को पेमेंट किया तब जाके बुक लिया है, तो वॉचर, वॉचर किसके अंदर जाएगा। अगर हम लोग वॉचर की बात करें, वॉचर क्या है अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वॉचर को समझेंगे। डेबिट निकाले हम लोग इस क्वेश्चन का, क्रेडिट निकाले इस क्वेश्चन का, लेजर निकाले इस क्वेश्चन का, अंडर निकाले इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्या है, वॉचर, वॉचर कैसे निकालते हैं, कौन सा वॉचर पुट करेंगे इसमें। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, पेमेंट किया है, पैसा दिया है इस बुक को खरीदने के लिए, तो कौन सा वॉचर यूज किया जाएगा, पेमेंट वॉचर, उसका शॉर्टकट की क्या है, F5। तो यहां पे क्या लिखेंगे,
पेमेंट वॉचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F5, ठीक है। तो ये होता है एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को कैसे एंट्री करते हैं टैली में। ये पांच तत्व के कारण टैली का एंट्री कंप्लीट होता है। राम परचेज अ बुक 500 रुपीज ऑन कैश, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? पहले डेबिट निकालेंगे, फिर क्रेडिट निकालेंगे, लेजर बनाएंगे, अंडर में भेजेंगे, और किस वाउचर में जाके एंट्री करेंगे वो बताता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पांच तत्व कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि कैसे कंप्लीट किया ये पांच तत्व, टैली का पांच तत्व कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, तो पांचवा तत्व को पढ़ना पड़ेगा आज। आज हम लोग समझेंगे कि ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ नंबर वाला वॉचर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है और कैसे वर्क किया जाता है। आप लोगों ने लाइब्रेरी देखा है? लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहां पे क्लास मेजर किया हुआ है, ठीक है। क्या मेजर किया हुआ है? ये फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए है, ये नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। ये क्या है? साइंस ब्लॉक है। ये क्या है? साइंस ब्लॉक है। अब साइंस ब्लॉक में आपका बहुत सारा सब ब्लॉक होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी और समथिंग एल्स, यहाँ रख देते हैं संस्कृत, ओके। अब उसी के अकॉर्डिंग अब वॉचर को कैसे डिफाइंड करेंगे? अब इस साइंस ब्लॉक को हम लोग एंट्री मानेंगे, ठीक है। ये सारा एंट्री है, लेकिन हमको किस एंट्री को किस में रखना? अगर जब मैं बोलूं कि जाइए बच्चों फिफ्थ क्लास का फिजिक्स बुक निकाल के आइए, तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले फिफ्थ क्लास जाएंगे। इसे कहते हैं वॉचर, ठीक है, इसे कहते हैं वॉचर। वॉचर क्या होता है? मान लीजिए कोई एंट्री करना है, तो सबसे पहले हम लोग वॉचर में जाते हैं कि वो एंट्री किस प्रकार का होगा। पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है, उधार से रिलेटेड एंट्री है, बैंक डिपॉजिट एंट्री है, या सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, इस टाइप का एंट्री है। तो सबसे पहले जिस प्रकार का एंट्री होगा, उस प्रकार के एंट्री को पहले वॉचर में चूज करेंगे। वॉचर में एंट्री करने के बाद उसका लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद उसको अंडर में पुट करेंगे, फिर उसको डेबिट क्रेडिट में पुट करेंगे। डेबिट क्रेडिट में पुट करने के बाद ये सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा हमारे टैली अकाउंट में। थोड़ा लंबा हो गया ना इसे समझाते समझाते। अब आइए देखते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपको वॉचर समझा दिया कि वॉचर क्या होता है। अब वॉचर सिंपली ये होता है कि आपको कोई भी एंट्री पुट करना है, तो वो किस वॉचर में जाएगा? सबसे पहला स्टेप वॉचर ही होता है, किसी भी एंट्री को अगर हमें इंटर करना है टैली में तो, ठीक है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ वॉचर। विच वन इज 10 टाइप्स ऑफ वॉचर? कॉन्ट्रा वॉचर, पेमेंट वॉचर, रिसीव वॉचर, जनरल वॉचर, सेल्स वॉचर, परचेज वॉचर, क्रेडिट नोट वॉचर, डेबिट नोट वॉचर, रिजर्व एंड सरप्लस वॉचर, मेमोरेंडम वॉचर, ठीक है। घबराइए नहीं, सब के बारे में डिटेल वाइज आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ टाइप्स ऑफ वॉचर बताया गया है, अब हर एक टाइप को डिटेल में आपको बताया जाएगा कि इसका क्या यूज है, कैसे यूज है, ओके। कॉन्ट्रा वॉचर का शॉर्टकट की क्या है? F4। व्हाट इज F4? नेक्स्ट पेमेंट वॉचर का शॉर्टकट की क्या है? F5, ठीक है, F5। इसे याद रखिए, क्योंकि जब भी आप एंट्री करेंगे ना, तो अगर आपको पेमेंट वॉचर में जाना है, तो आप सिर्फ F5 प्रेस करिएगा, पेमेंट वॉचर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। रिसिप्ट वॉचर का शॉर्टकट की क्या है? F6, ठीक है। उसी तरह जनरल वॉचर का क्या होगा? F7। सेम सेल्स वॉचर का क्या होगा? F8, ओके। एंड परचेज वॉचर का नेक्स्ट F9। यहां तक आप देख रहे होंगे कि सीरियल वाइज से 4, 5, 6, 7, 8, 9 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा अल्टरनेट होना स्टार्ट हो गया। क्रेडिट नोट वॉचर क्या चीज का शॉर्टकट की होगा? इसका Alt+F8। क्रेडिट नोट वॉचर का शॉर्टकट की क्या होगा? Alt+F8। उसी तरह सिमिलरली डेबिट नोट वॉचर का शॉर्टकट की क्या होगा? Alt+F9, ठीक है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस का क्या हो जाएगा? F10 हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का F10 हो जाएगा। मेमोरेंडम वॉचर का क्या हो जाएगा? Alt+F10 हो जाएगा मेमोरेंडम वॉचर का।
अब आते हैं कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा वॉचर क्या होता है, पेमेंट वॉचर क्या होता है, रिमेनिंग सब टॉपिक्स क्या होते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, कॉन्ट्रा वॉचर। कॉन्ट्रा वॉचर क्या होता है, यह एक प्रकार का वॉचर होता है जो सिर्फ बैंक से रिलेटेड लेन देन करता है। कैसे, आइए डेफिनेशन से समझते हैं। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू कैश और बैंक, ठीक है, व्हेन डिपॉजिटिंग और विड्रॉइंग मनी इन द बैंक देन इट्स एंट्री इज डन ऑन कॉन्ट्रा वॉचर। मतलब उस प्रकार का अकाउंट इसमें मैनेज किया जाता है, अगर बैंक में आप पैसा डाल रहे हो या बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, उस टाइप का एंट्री किसमें किया जाता है, कॉन्ट्रा वॉचर में। सिंपली कॉन्ट्रा को क्या समझना है, बैंक से रिलेटेड इसको अगर लर्न करना है तो कॉन्ट्रा मीन्स बैंक, ठीक है। अगर बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ समथिंग कुछ भी, तो उसका एंट्री किसमें जाएगा, कॉन्ट्रा वॉचर में। अगर बैंक में पैसा डाल रहे हो या तो कैश से या तो चेक से, तो उस सारे टाइप का भी एंट्री कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रा वॉचर में जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 डिपॉजिटेड ऑन बैंक, मतलब 50,000 रुपया डिपॉजिट किया गया है बैंक में, तो इसका एंट्री कहाँ किया जाएगा, कॉन्ट्रा वॉचर में। कॉन्ट्रा वॉचर क्या करता है, बैंक से रिलेटेड लेन देन के बारे में सारा एंट्री कॉन्ट्रा वॉचर में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट वॉचर। पेमेंट वॉचर क्या है, आप कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके लिए आप पेमेंट करते हो, आप चाहे कैश में करो, आप चाहे चेक में करो, आप चाहे बैंक से करो, आप चाहे ऑनलाइन करो, आप जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का अकाउंट किस वॉचर में जाएगा, पेमेंट वॉचर में जाएगा, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज पेड इन कैश और इन फॉर्म ऑफ चेक, जब कोई पर्सन पैसा देता है या तो कैश के फॉर्म में या फिर चेक के फॉर्म में, देन His entry is made in payment voucher. तब उसका एंट्री किसमें बनाया जाता है, पेमेंट वॉचर में। फॉर एग्जाम्पल राम परचेस्ड अ BMW कार, राम ने एक BMW कार लिया ऑन हाउ मच रुपीज, 7 करोड़ रुपीज। हाउ मच, 7 करोड़ रुपीज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेमेंट वॉचर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिसिप्ट वॉचर। पेमेंट वॉचर मीन सिंपली क्या होता है, आप किसी भी चीज के लिए पैसा दे रहे हो, किसी भी वस्तु के लिए पैसा दे रहे हो, वो सारे एंट्री कहाँ किए जाते हैं, पेमेंट वॉचर में। रिसिप्ट वॉचर क्या होता है, अगर आपको किसी चीज के लिए पैसा मिल रहा, पैसा प्राप्त कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए पैसा प्राप्त कर रहे हो, तो वो सारे एंट्रीज कहाँ किए जाएंगे, रिसिप्ट वॉचर में। आइए डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन समवन रिसीव मनी, जब कोई पैसा प्राप्त करता है, चाहे वो पैसा हो, कमीशन हो, डिस्काउंट हो, etc, देन एंट्री इट ऑन रिसिप्ट वॉचर, तब उस व्यक्ति का एंट्री रिसिप्ट वॉचर में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, राम गॉट कैश, राम को कैश में पैसा मिला, किस चीज का इनकम मिला उसको, 5,000 रुपीज, उसने पैसा प्राप्त किया, उसके पास पैसा आया, तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट वॉचर में जाएगा, कहाँ, रिसिप्ट वॉचर में। कॉन्ट्रा वॉचर क्या करता है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है, कॉन्ट्रा वॉचर, ठीक है। पेमेंट वॉचर क्या करता है, पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है, पेमेंट वॉचर। अगर आपके खाते में पैसे आ रहे हैं किसी भी टाइप से, तो उस पैसे का रिसिप्ट कहाँ रखता है, रिसिप्ट वॉचर में, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल वॉचर। जनरल वॉचर क्या करता है, आप चाहे किसी से उधार ले रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, उन सारे एंट्रीज कहाँ किए जाते हैं, जनरल वॉचर में, ठीक है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू बोरोइंग, वेदर इट इज लेंड और टेकन, जब किसी भी चीज को आप उधार लेते हो, या तो आप ले रहे हो या आप दे रहे हो, एंड द प्रोविजन etc, और प्रोविजन भी, इज इंटर्ड ऑन द, कहाँ पे इंटर्ड किया जाता है, जनरल वॉचर में इंटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम ब्रॉन्ड अ फर्नीचर, राम ने एक फर्नीचर खरीदा फ्रॉम राम, कहाँ से, राम से, फॉर 50,000 रुपीज ऑन लोन, 50,000 का लोन से, मतलब उधारी पे राहुल ने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा, राम से खरीदा,
कितने में खरीदा? 50,000 में खरीदा। क्या पैसा देके खरीदा? नहीं, 50,000 का उधारी में राहुल ने राम से फर्नीचर को खरीदा। मतलब उधारी का एंट्री कहाँ जाएगा? जनरल वाउचर में जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या है? किसी भी प्रकार का आप किसी वस्तु को बेचते हो तो वो उनके एंट्री कहाँ जाएंगे? सेल्स वाउचर में जाएंगे। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक, या तो कैश में या तो उधारी में किसी चीज को बेचते हो सभी प्रकार के स्टॉक से। और अकाउंटेड कहाँ अकाउंटेड किया जाता है? फॉर ऑन सेल्स वाउचर। आप किसी वस्तु को बेचते हो या तो उधार या तो कैश में, तो उन सारे स्टॉक को कहाँ मेंटेन किया जाता है? सेल्स वाउचर में। फॉर एग्जाम्पल, श्याम सोल्ड बाइक ऑन 2 लाख रुपीज। श्याम ने 2 लाख का बाइक को बेचा, तो बेचा तो क्या किया? सोल्ड किया, सेल किया, तो वो कहाँ जाएगा? सेल्स वाउचर में जाएगा। किसी वस्तु को बेचना है तो वो सेल्स वाउचर। ठीक है। बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करने तो कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करें तो पेमेंट वाउचर। ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट? रिसिप्ट वाउचर। आपके अकाउंट में किसी भी तरह के पैसे आ रहे हो, चाहे आप किसी का वस्तु से आ रहा है या किसी आपका प्रॉफिट से आ रहा है, डिस्काउंट से आ रहा है, कमीशन आ रहा है, सैलरी आ रही है, जो भी चीज आपके अकाउंट में आ रहा है वो कहाँ जाएगा? रिसिप्ट वाउचर। जनरल वाउचर क्या है? आप किसी भी तरह का उधार दे रहे हो, उधार ले रहे हो, उधार दे रहे हो, उधार ले रहे हो, वो कहाँ जाएगा? जनरल वाउचर में जाएगा। ठीक है। मेनली यही आपको अभी पढ़ना, अभी के टैली सीरीज में जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ये 4-5 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक है। रेस्ट जो 5 टॉपिक्स बच रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर किए जाएंगे, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वीडियो का। ठीक है। तो अभी सिर्फ 5 टॉपिक्स कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 5 टॉपिक्स करा देंगे। ठीक है। मन में याद रखिएगा कि कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कहाँ होता है, इसका शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या है कॉन्ट्रा वाउचर का? F4। पेमेंट वाउचर का F5। रिसिप्ट वाउचर का F6। जनरल वाउचर का F7। सेल्स वाउचर का F8। ओके। तो ये सारे शॉर्टकट की याद रखेंगे, इनके नाम याद रखेंगे, ये क्या काम करते हैं वो सब चीज याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।